आज के वीडियो में हम बात करेंगे बियंग के चिनोस का रिव्यू करेंगे। मैंने 2 महीने पहले बियंग का नेवी ब्लू कलर का चिनोस परचेज किया था, तो 2 महीने मैंने इस बियंग के चिनोस का यूज़ किया। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आफ्टर यूसेज इसको यूज़ करने के बाद इसकी ओवरऑल क्वालिटी कैसी रहती है। वैसे मैंने बियंग के चिनोस का मैंने 3 महीने पहला जो वीडियो बनाया था, तो उसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, तो आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। और बता दूं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट में ज़रूर दें। तो सबसे मन में हर एक व्यूअर में यही क्वेश्चन होता है कि कोई भी कपड़ा यूज़ करने के बाद क्या उसका धोने के बाद उसका कलर जाता है या नहीं। तो मैं कहूँगा कि नेवी ब्लू के इस पैंट में बियंग के मैंने चिनोस जब परचेस किया धोया तो इसका कलर फेड हुआ, मतलब धोने के बाद इसका कलर जाता है। मैंने पहले 2-3 बार इसको धोया, यूज़ किया और धोने के बाद इसका कलर फेड हुआ, वो साफ साफ दिख रहा था। फिर क्या हुआ, एक कलर पर रुक जाने के बाद फिर वो फेडिंग बंद हो गया, फिर वो कलर निकलना बंद हो गया। तो फेडिंग तो होता है लेकिन भी इतना भी ज़्यादा नहीं होता कि ऐसा लगे कि आप हर टाइम इसका फेड होएगा और फिर आपका पैंट पुराना हो जाएगा। मैंने इतनी बार यूज़ किया, पहना तो बाहर भी पहन के जाता हूँ, फिर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई पुराना पैंट है। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, ये न्यू वाला और एक नाउ वाला दोनों वीडियो है। न्यू वाला तब का है जब मैंने चिनोस परचेस किया था और वो वीडियो रिकॉर्ड किया था, और ये अभी का है, तो कोई खास ऐसा डिफरेंस दिखेगा नहीं आपको, लेकिन मैं कहूँगा ओवरऑल इसकी कलर क्वालिटी अच्छी है। और कलर के मामले में मैं इस बियंग के चिनोस को 5 में से 3 स्टार दूंगा। और बात करें इसकी फिट की, तो इसका फिट बहुत ही अच्छा है, पहने के फिर भी आपको कंफर्टेबल ही लगेगा, लेकिन फिर भी इसकी फिटिंग ज़्यादा है। फिटिंग ज़्यादा होने के बाद भी इसका ये ओवरऑल ये कम्फर्टेबल पैंट है। और बात करें इसके फैब्रिक की, तो इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। फैब्रिक अब तक ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मेरा चिनोस फट गया, ऐसा कोई ख़राब एक्सपीरियंस नहीं रहा। फिटिंग और फैब्रिक के बारे में तो ये अच्छा है। और बात करें इसकी सिलाई की, तो इसकी सिलाई भी अच्छी है, सिलाई भी निकलती नहीं है और अच्छी है। ओवरऑल यही कहूँगा कि 1000 के अंदर मैंने बियंग का ये चिनोस ख़रीदा था, और ये 1000 के अंदर ये ओवरऑल तो अच्छा ही चिनोस है, और मैं इसको 5 में से 4 स्टार दूंगा इस बियंग के चिनोस को। और बात करें ओवरऑल इस चिनोस को बहुत ही अच्छा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमारे कमेंट में ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही रिव्यू के वीडियो देखने के लिए।